एक सोनी A7 III के ऊपर 50mm लेंस लगा के उसका इमेज क्वालिटी टेस्ट। सो चले गए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो उनसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन है आज की मेरी मॉडल। सो वो खुद ही बताएंगे, खुद ही अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज सूर्या, मैं चंडीगढ़ बेस्ड इन्फ्लुएंसर और मॉडल हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल है स्टाइलिशली स्लिक, जो हम यहाँ पर टैप कर देंगे, एंड सेम इज माय यूट्यूब हैंडल, डू गिव मी अ सब्सक्राइब एंड अ फॉलो। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ मैंने क्या रखी हुई है यहाँ पे। सो गाइस, मेरी 2000 की स्पीड आ रही है, अभी 2000 की मेरी स्पीड है, और अपर्चर मेरा 1.8 है जैसे आप देख पा रहे होंगे, और 800 का मेरा ISO है। सो इसके ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ, बाकी आप शॉट्स देख ही सकते हैं कितने प्यारे आ रहे हैं। बाकी गाइस, जो मैंने स्टैंडर्ड के अंदर कुछ मतलब जो पिक्चर स्टाइल है उसका वो भी चेंज किया है, जिस जो कि है मैंने उसका कंट्रास्ट है वो -1 रखा हुआ है, जिससे मुझे एक मतलब सॉफ्ट लुक मिलेगी, ज़्यादा हार्श मेरी जो शेडोज़ हैं वो ज़्यादा हार्श क्रिएट नहीं होंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ मैं एक स्टॉप ओवर खींच रहा हूँ, जिससे क्या है कि फेस प्रॉपरली पॉप्ड अप हो जाए। सो जैसे आप देख पा रहे होंगे गाइस, जो मेरी यहाँ पे स्पीड है वो 1250 की है, एंड 1.8 अपर्चर है, 640 का मेरा ISO है। बाकी जैसे आपको पता है बैक लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, सो मैं अपना एक बार स्टैंडर्ड में जाके कंट्रास्ट को और कम कर रहा हूँ, -2 रख रहा हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे हम थोड़ा शेड में शूट कर रहे हैं, सो जहाँ पे मुझे अच्छा टेक्सचर मिल रहा है पीछे भी बैकग्राउंड का। और जो गाइस मेरी स्पीड आ रही है यहाँ पे वो है 1600 की मेरी स्पीड है 1600 की, और अपर्चर मेरा वही 1.8 है, और ISO मेरा 640 का है। सो गाइस, थोड़े से रूल ऑफ थर्ड में भी हम शॉट्स ट्राई कर रहे हैं। सो थोड़ा सा ज़्यादा ना मूवमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज वो फेस पे ना बैकग्राउंड ऐसा चेंज किया है, और आइज क्लोज। सो गाइस, सेटिंग मेरी जो है वही है मेरी सेम, 1600 की मेरी स्पीड है, और एफ मैंने अपना जो अपर्चर है वो 1.8 पे ही मैं शूट कर रहा हूँ। इस पर होल्ड करना है एक बार, इस वाले पोज पे थोड़ा सा, हाँ नाइस वेट। सो गाइस, यहाँ पे अब मैं थोड़े से कुछ फुल शॉट्स भी ट्राई कर रहा हूँ, सो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। वेट वन मोर, थोड़े डाउन एंगल से भी ट्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शॉट्स, अब थोड़े हाफ शॉट्स भी एक दो, अब जब भी शूट करें थोड़ा अपने वर्क में यूटिलाइज करें, मतलब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ट्राई कीजिए, जिससे कई बार आपको अच्छे शॉट्स मिलते हैं डाउन एंगल से, हाफ, फुल। सो अब थोड़ी हम लोकेशन चेंज करके देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अब हम थोड़े से ग्रीनरी में शॉट्स ले रहे हैं। आपने गाइस, जब भी आप डेलाइट में शूट करें, सो आपने ध्यान देना है कि आपका बैकग्राउंड ज़्यादा, जो आपका बैकग्राउंड है वो ज़्यादा वाइटिश ना हो, उसके बैक में ज़्यादा लाइट ना हो। सो जिससे क्या है कि आपको एक बहुत प्यारा बुके इफेक्ट देखने को मिलता है। सो आप ट्राई करिए शॉट्स वगैरह। नाइस, बाकी लोकेशन काफ़ी, मतलब लोकेशन का बहुत मैटर करता है, अगर अच्छी लोकेशन होगी तो रिज़ल्ट थोड़ा और आपको अच्छा मिलता है। बाकी गाइस, जो मेरे इसमें केल्विन है, ठीक है, केल्विन मेरा 5200 का है, अगर मुझे लग रहा है कि वो कम है तो मैं उसको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट भी कर सकता हूँ, या थोड़ा बढ़ा कम कर सकते हैं हम उसको। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मतलब मैंने जस्ट इमेज क्वालिटी टेस्ट ही करके दिखाना था, बाकी इसके ऊपर वीडियो टेस्ट भी आएगा, ठीक है, A7 III के ऊपर 50mm लगा के आप कैसे सिनेमेटिक वीडियो शूट कर सकते हैं। सो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट आने वाली है, सेम मैम के साथ ही होने वाली है, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।